श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सबका आश्चर्यचकित होना, आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्गार, राजसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन तथा उन सबके द्वारा श्री राम के वचनों की प्रशंसा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे, तब वहां बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई और वे सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी, वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होते थे। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठकर जिन सवर्ण समर्थ पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल जयंत और दृष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पुरवासी, पार्शव आदि शंकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेद वेत्ता ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य। अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्रीराम की बातें सुन रही थी। उस समय उनके आभूषणों की खन खनाहट तक नहीं होती थी। आकाशचारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता देवराज इंद्र, विद्याधर गण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी की वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी थी। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूहों द्वारा ऐसी पुष्प वृष्टि की गई जिससे वहां चंदोवा सा तन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों के गुच्छ अपनी अद्भुत छटा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि झड़ रही थी तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुंज बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट गई। घर, छत और चबूतरे आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। आकाश में खड़े हुए अदृश्य सिद्ध समूहों द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और उसमें बैठे हुए लोगों को आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई, तब सभासदों ने सिद्ध समूहों का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद यह अपूर्व प्रवचन सुना है। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम ने जो उदार बातें कही हैं, उन्हें संभवतः बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। अहो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुख अरविंद से प्रकट हुआ यह परम पुण्यमय प्रवचन सुना है, जो अंतःकरण को परम आह्लाद प्रदान करने वाला है। इन रघुनंदन ने इस समय आदरपूर्वक जो उचित भाषण किया है, वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता का पद प्राप्त कर लिया है। यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार हैं। रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे, उसे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और पुलह आदि मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहां पधारें। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो सुवर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली
कमलनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा सुवर्णमयी सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी मंडली उस राजसभा में उतरी। उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई वीणा को उस समय भी छोड़ न सके थे, और सबसे पीछे सजल जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। इन दोनों के बीच में शेष ऋषियों की मंडली थी, भृगु, अंगिरा और पुलत्स्य आदि मुनीश्वर उस मंडली की शोभा बढ़ाते थे। च्यवन, उद्दालक, उशीर तथा शरलोम आदि महर्षियों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। एक दूसरे के शरीर की रगड़ से उन सबके मृग चर्म अपने स्थान से खिसककर अस्त व्यस्त हो गए थे। उन महर्षियों के हाथों में बल पाकर रुद्राक्ष माला हिल रही थी तथा उन सबने सुंदर कमंडलू धारण कर रखे थे। प्रकाश में अपने तेजह पुंज के प्रसार से श्वेत एवं रक्त प्रभा धारण करने वाली वह मुनि मंडली तारों की पंक्ति के समान प्रकाशित हो रही थी। परस्पर के तेज से उन सबके मुखमंडल ऐसे उद्भाषित हो रहे थे मानो अनेक सूर्यों की पंक्तियां प्रकट हो गई हों। उस मंडली में व्यास जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के समुदाय में श्याम मेघ घिर आया हो, और देवर्षि नारद तारिकाओं के समूह में शीत रश्मि चंद्रमा की सी शोभा धारण करते थे। महर्षि पुलत्स्य देव मंडली के बीच देवराज इंद्र के समान विराज रहे थे। महर्षि अंगिरा ऐसे प्रकाशित होते थे मानो देवताओं के समूह में साक्षात सूर्य उपस्थित हों। आकाश मंडल से वह सिद्ध सेना जो ही भूतल पर उतरी, त्यों ही मुनियों से भरी हुई दशरथ सभा के सभी लोग उठकर खड़े हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्घ्य, पाद्य आदि मधुर वचनों द्वारा क्रमशः उन सभी आकाशचारी सिद्धों तथा महर्षियों की पूजा की। आकाशचारी सिद्ध आदि के उस महान समुदाय ने भी अर्घ्य, पाद्य द्वारा, मधुर वचनों द्वारा वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदर पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात भूपाल दशरथ ने संपूर्ण आदर भाव के साथ उस सिद्ध समुदाय का पूजन किया। फिर उस सिद्ध समुदाय ने भी कुशल प्रश्न संबंधी वार्तालाप द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। उस समय प्रेमोचित दान, मान आदि क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से सत्कार पाकर सभी आकाशचारी तथा भूमंडल में विचरने वाले महर्षि यथा योग्य आसनों पर बैठे। उन लोगों ने सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का चारों ओर से मधुर भाषण, फूलों की वर्षा और साधुवाद के द्वारा पूर्ण सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए वहीं बैठे तथा विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्रीगण, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मुनिवर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा और उनके पुत्र आंगिरस मुनि, क्रतु, पुलत्स्य, पुलह, मुनीश्वर सरलोमा, वात्सलायन, भरद्वाज, मुनिवर वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचिक, शर्याति और च्यवन, ये तथा और भी बहुत से वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सब में प्रधान थे वहां विराजमान हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ नारद आदि जो सांग वेदों का अध्ययन कर चुके थे मस्तक झुकाए हुए श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले, अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री राम ने इस प्रकार अनेक कल्याणमय गुणों से सुशोभित, वैराग्य रस से पूर्ण तथा परम उदारता से युक्त बातें कही हैं। श्री राम के भाषण में वक्तव्य अर्थ इदम इत्यम रूप से व्यवस्था पूर्वक निहित है। उसे ऐसी सुबोध भाषा में कहा गया है जिसे सुनते ही श्रोता वास्तविक अभिप्राय को समझ ले। जो बात कही गई है वह सर्वथा उचित
और स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित है। श्री राम की यह वाणी उदार है, इसके भीतर बहुत से उत्कृष्ट अभिप्राय छिपे हुए हैं। यह सुनने में प्रिय और श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह चंचल चित्त से नहीं, स्थिर बुद्धि से विचार कर व्यक्त किया गया है। इसका भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस भाषण का प्रत्येक पद अभिव्यक्त अर्थात व्याकरण विशुद्ध तथा सुस्पष्ट ग्रस्त आदि दोषों से रहित है। यह वाणी इष्ट अर्थात प्रिय एवं हितकर तथा आंतरिक संतोष की सूचक है। श्री रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ यह वचन किसी को आश्चर्य में नहीं डाल देता। सैकड़ों में से किसी एक पुरुष की ही वाणी संपूर्णतः उत्कृष्ट चमत्कार पूर्ण और अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती है। राजकुमार, उसके सिवा दूसरा कौन है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूपिणी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो, विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो। श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीपशिखा प्रज्वलित हो रही हो, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। जिनमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है वे मनुष्य रक्त मांस और हड्डियों के यंत्र रूपी देह में आत्मबुद्धि रखने के कारण रक्त मांस आदि रूप ही बहुत से शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं, वे जड़ के तुल्य हो गए हैं। जो लोग सर्वथा मोह आच्छान्न होने के कारण संसार का विचार नहीं करते वे निरे पशु हैं। वे ही बारंबार जन्म मृत्यु और जरा आदि रूपों को प्राप्त होते हैं। जैसे लोक में सर्वोत्तम मधुर फल और सुंदर आकृति वाले आम के वृक्ष बिरले ही होते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट चमत्कार से पूर्ण तत्व साक्षात्कार रूप फल से संपन्न एवं सुंदर शरीर वाले भव्य पुरुष इन्हें गिने ही होते हैं। इन आदरणीय बुद्धि वाले श्री राम में अभी इसी अवस्था में अपने ही विवेक के कारण उस तत्व दर्शन रूप चमत्कार का उदय देखा जाता है जिसके द्वारा जगत के व्यवहार का सम्यक रूप से समीक्षण हुआ है। जो देखने में सुंदर हो, जिन पर सरलता से चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फलों और पल्लवों से सुशोभित हों, ऐसे वृक्ष प्रायः सभी देशों में उत्पन्न नहीं होते, परंतु चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ हैं। फल और पल्लवों से भरे पूरे वृक्ष प्रत्येक वन में सदा सुलभ होते हैं, परंतु अपूर्व चमत्कार से युक्त लौंग का वृक्ष सदा और सर्वत्र सुलभ नहीं है। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ हैं। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, सुंदर वृक्ष से मंजरी प्रकट होती है और फूल से सुगंध का प्रवाह प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी से यह तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया है। जो लोग सदा तत्व चिंतन में तत्पर हो, विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे ही सुयस के भंडार सत्पुरुषों में अग्रगण्य धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के समान विवेकशील और उदारचित्त पुरुष न तो अब तक कोई देखा गया है और न भविष्य में ही कोई होगा, ऐसी हमारी मान्यता है।